इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे देश में NRC, CAA और NPR को लेकर एहतजाज जारी है। बेलगाम शहर में भी कई बार यहाँ पर एहतजाज किया गया। लोगों के अंदर ये गम गुस्सा है कि NRC को लेकर मखसूस तबके को बाहर निकाला जाएगा, इस तरह की बातें की जाती है। बेलगाम शहर में भी इस NRC, CAA और NPR को लेकर फिर से एहतजाज किया जा रहा है ख़वातीन की जानिब से। किला तालाब के अतराफ में ये यहाँ पर खड़े हैं, 3 से 7 बजे तक वो खड़े रहेंगे और वो अपना एहतजाज दर्ज करेंगे कि हुकूमत ने जो काला कानून लाया है उसे जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये जो मेरी बहनें तकरीबन आई कैन से मोर देन 30,000 लेडीज टुडे दे हैव गैदर्ड धूप में, तपती हुई धूप में यहाँ पे इकट्ठा हुई है, इसलिए नहीं कि उन्हें पैसे दे के, मैं बताती चलो आपको, वो अपने खुद की मर्जी से, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुई है। एंड इट्स नॉट ओनली मुस्लिम्स, आप इसमें जाकर देख सकते हैं, मेरी दलित बहनें भी बहुत सारी मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक मजहब के खिलाफ नहीं है, इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी। जैसे कि हमको पहले ही बता दिया गया था दैट ऑल द राइट्स यू हैव गिवन, एंड टुडे मोदी साहब ने बहुत अच्छे से बताया था कि जो भी आगे के कवानीन बनेंगे उसमें औरतों की सेफ्टी होगी, एजुकेशन एम्पावरमेंट होगा, बेरोजगारी हटेगी। बेरोजगारी नहीं हटी, बेशक बेरोजगार हट गए, तालीम का जो मियार था वो कस्ता से कस्ता होता जा रहा है। और रही बात जो एम्पावरमेंट की है, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन आएगी, अच्छे दिन आएंगे, सड़कें बनेंगी, रोड होगा, एंड ऑल सबसे हटकर आज तमाम की तमाम जनता, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसी बात पे है कि NRC क्या है, NPR क्या है, दैट्स इट। इट इज़ नॉट, ये जो जनता दिख रही है आपको क्या बेवकूफ़ लगती है? 500 रुपए बिकने वाली कौम ये नहीं है, मैं बताती चलूँ आपको। इंशाल्लाह उस वक्त तक चलेगा जब तक के हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक के हमें छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारा नहीं मिलता यहाँ की गुलामी से, छुटकारा नहीं मिलता यहाँ की गुलामी की सोच से, जो सोच रखते हैं वी गिव द पावर, एम्पावरमेंट, सेफ्टी फॉर द वुमेन, वेर इज द सेफ्टी? टुडे आई विल गेट स्केर्ड व्हेन आई कम आउट फॉर द जॉब, आई विल गेट स्केर्ड व्हाट विल बी अबाउट माई मदर, व्हाट शी विल बी डूइंग इफ एनीबडी कम्स, क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं है। अगर कोई आके डॉक्यूमेंट्स पे उनसे सिग्नेचर ले ले, मुझे फिक्र होती है तमाम उस गरीब बहनों की, तमाम उन गरीब भाइयों की जिसमें किसी भी तरीके से सिग्नेचर लिया जाता है। तो मैं आपसे सख्त से सख्त इसकी मुखालिफत करते हुए बस यही कहना चाहती हूँ, वी आर अगेंस्ट इट एंड वी विल बी अगेंस्ट टिल इट विल गेट एंड। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देंगे, ज़रा गौर से सुने, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देंगे, ज़मीन हिंद के हर जर्रे को वो नापाक कर देंगे। गुजारिश है मेरी इससे, हुकूमत छीन लो वरना लगा कर आग नफरत की, वो सब कुछ राख कर देगा। इन्होंने एक बात को बिल्कुल वाज़ह किया हुआ है कि मोदी सरकार ने अभी तक वो नोट छापी नहीं है जो इस कौम को खरीद सके। इली नाऊ यलारू CAA, NRC, NPR विरुद्ध बंदी देवे ना नम उद्देश्य बरे इदू इदे, नाऊ ई देशद ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್, ದ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವಿಚ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. My name is Anis Fatima Sheikh. I want to say to the government of India that we Indians belong to the different religion, and you know that for our personal views as the Musliman we follow Quran Sharif and Sharia for our religion, and Hindus as they follow Gita and Christians they follow Bible. So for the other rules of where to live, how to live, we follow the constitution, and this law is against our constitution because it is dividing us, it is dividing us by basis of the religion, so we are not going to accept this. Assalamu alaikum. Zor se naam. Main Kanize Fatima, mera naam hai, aur main jo hai aaj yahan hum tamam khawateen ek ehtijaj ke liye hum tamam yahan par sadkon par utre hain, jo ke हुकूमत की तरफ से जो कानून, काला कानून जो बनाया गया CAA, NRC और NPR, इसके ख़िलाफ़ जो है हम तमाम यहाँ एहतजाज पर के लिए हाजिर है।
और हम तमाम लेडीज़ जो है ये एहतजाज कर इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं क्योंकि जो है हम जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को ये हम बोलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो है हम जो है इसके ख़िलाफ़ है। इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बहुत सारी बातें की जा रही है कि जो है प्रोटेस्ट की वजह से जो है लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है, बहुत सारे मसले हैं, जैसा कि शाहीन बाग की औरतों के लिए जो है कितना जो है उनके लिए जो है गलत बातें उनके ख़िलाफ़ जो है फैलाई जा रही है। तो बस जो है हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें कोई शौक़ नहीं है ऐसे सड़कों पर आने का और जो है इस तरह से जो है खड़े होने का। आज यहाँ पर जितने हैं लेडीज़ ये सब ऐसे हैं कि आज से पहले कभी जो है वो इस तरह से सड़कों पे नहीं आई, लेकिन जो है गवर्नमेंट के ऐसे कानून की वजह से कि हम जो है घर में भी बैठकर नहीं रह सकते, इसकी वजह से जो है लगातार जो गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग ऐसे जो है कानून बनाए गए हैं जो कि ख़ास तौर से जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, और अब ये जो कानून है ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि जो है तमाम ही हिंदुस्तान के आवाम के ख़िलाफ़ है। ನಾನ್ ರುಕಯಾ ನದಾಫ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿರೋದು ನಮ್ದು ಸಿ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರೋದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಡಿದೇವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದೇವಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್, ಮೈಂ ಶಗುಫ್ತಾ ಲಾಡ್ಜಿ, ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸೆ. आज जो ये मुजाहिरा हो रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़ है, हुकूमत की तरफ से जो CAA का कानून बना है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जो एक्ट बना है वो मज़हब की बुनियाद पर बना है और मज़हब की तफरीक की जा रही है, इस वजह से हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो सब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबको एक नज़र से देखता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब मज़ाहिब की इज़्ज़त यहाँ पर की जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो तफरीक के साथ शहरियत दी जा रही है इसकी हम निंदा करते हैं, कड़ी मजम्मत करते हैं इसकी हम, ये हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं पहले तो शाहीन बाग में बैठे हुए जो तमाम लेडीज जेंट्स हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगी और उनके साथ हम भी हैं, हम भी जितना तुम चाहते हैं हम भी इतना ही जज्बा रखते हैं। और ये जो कर रहे हैं ये जो अमित शाह मोदी जो कर रहे हैं ये सब सरासर गलत कर रहे हैं। मैं रिटायर्ड SP मिस्टर खान की बीवी यास्मीन खान बात कर रही हूँ। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यह हमारा सबका हिंदुस्तान है। मिस्टर मोदी ने क्या किया जिसको पीछे से RSS चला रही है, इसका पूरा मकसद ये है कि यहाँ के सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को निकाल कर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका जो ये इंटेंशन है इनको ये बरकरार रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो है मुसलमान को जो माइनॉरिटी है इनको दबा कर इनको इनके जो ये हैं इनके जो हक है वोट राइट फॉर वोट देर इज़ अ फ्रीडम फॉर स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ वॉयलेटिंग द आर्टिकल 14, 15, 20, 21 and 25 एंड दिस वी आर अगेंस्ट इट। वी आर ऑल हिंदू सिख ईसाई एंड ऑल दिस पीपल वी आर ऑल हिंदू सिख वी आर ऑल वन। ये हिंदुस्तान सबका है, ये मोदी और शाह का कोई हिंदुस्तान ये अकेले का नहीं है। हम यहाँ रहने के लिए हम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ के हमारा माता इसी हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पर इस मिट्टी में अपना लहू लहवान करके ये निकल गए। यहाँ पर हम जो यहाँ पर हैं हम 5 टाइम नमाज पढ़ के हमारा माता इस हिंदुस्तान की मिट्टी में ये होता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर जो बता रही हूँ ये NRC जो लाया जा रहा है इसका मकसद ये है कि पहले तो ये आसाम में इसने स्टार्ट किया था, आसाम में उसने देखा कि उसने सोचा NRC जो ला रहा हूँ NRC में उसने लाया आसाम में, पहला स्टार्ट यहाँ से होता है क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि वो अपना ये करें, सिर्फ वो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बने। और इसीलिए उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर सिर्फ ये दुश्मनी या उनका पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिलों में, जबकि हम देश के गद्दार नहीं हैं। जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम देश के गद्दार हैं, हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम यहाँ पर हमें पैदा हुए और हम यहीं पर मरेंगे।